दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू। मैं तुम्हारा घर छोड़कर बड़ी बहू के साथ रहने जाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज नरेंद्र जी को गुजरे हुए पूरे एक साल हो गया। सारे बच्चे उनकी पुण्यतिथि पर गांव में इकट्ठा हुए। दो बेटा और एक बेटी पूरे परिवार के साथ आए थे। बेटी विमला माँ से बोली, माँ मैंने सुना है तुम शहर जा रही हो, चलो अच्छा है, मेरी चिंता भी अब कम रहेगी। अच्छा है, उनके साथ रहोगी तो मुझे भी गाँव नहीं आना पड़ेगा। परंतु तुम किसके साथ रहोगी? कमला देवी बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अब मैं राकेश और राखी बहू के साथ रहूंगी। विमला बोली, पर माँ वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। नेहा भाभी मन की भी अच्छी है और शरीर से भी तुम्हारी सेवा करेगी। कमला देवी बोली, सेवा कर देगी पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरा भार उठा पाएंगे। उसके इतने छोटे से घर में आगे चल कर मुझे दिक्कत होगी। जिसके पास पैसा होता है उसी के पास जीवन अच्छे से गुजरता है। ये बात तुम भी समझ लो। कल को तुम्हारे भी दो बेटे हैं, तुम्हें भी चुनाव करने में आसानी होगी। बाहर खड़ी नेहा उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह काम नहीं आती। कौन नजदीक और कौन दूर ये तो वक्त ही बताता है। जब मैं आपसे दूर रहूं तब शायद हमारे रिश्ते की नजदीकियां आपको याद आए। हो सकता है अभी कि ये दूरियां आगे चलकर नजदीकियों में बदल जाए। वो बोली, बहू अब मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नजदीकियां बढ़ाकर अपने बुढ़ापे के आने वाले समय को खराब नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर सकता है। राकेश के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। मेरी परेशानी को भी तुम समझो। कमला जी की बेटी बोली, माँ मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती। पर जब शरीर गिरता है तो पैसा नहीं रिश्ते और शारीरिक सेवा की जरूरत पड़ती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। राकेश तुम्हारे लिए साए कितने भी नौकर साकर क्यों ना खड़े कर दे पर वो परायों की तरह ही सेवा करेगा, अपनों की तरह नहीं। इस बात को समझो। इतने सालों तक कमला
जी और उनके पति नेहा और बड़े बेटे मनोहर के साथ ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ ही रहे, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो कमला जी के जिद पर वो 2 साल से गांव में रह रहे थे। वहां भी नेहा साल में 2-3 बार आती रहती और घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालती रहती थी। वो अपने छोटे बेटे राकेश, जो काफी पैसे वाला था, उसके प्रति उनका झुकाव ज्यादा था। नेहा बोली, मानती हूँ मैं दूसरे घर से आई हूँ, आपकी बेटी नहीं बन पाई, बहू बन के मैंने सदा आपकी सेवा की, फिर भी आपके दिल के नजदीक नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, आप जहां रहे खुश रहे, मुझे उसी में तसल्ली है। बस इतना कहूंगी, हर रिश्ता मन से करीब हो ये भी जरूरी नहीं होता, पर कौन नजदीक और कौन दूर, जब ये पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। इतना कह कर वहां से चली गई। अपनी जिद पर कमला जी छोटे बेटे के साथ रहने लगी, परंतु बेटे बहू को फुर्सत कहाँ थी। घर में नौकर चाकर था जो उन्हें खाना तो जरूर दे जाता था, परंतु कभी आकर उनका हाल साल नहीं पूछता था। सब महीने में ही उनका मन उब गया और शारीरिक स्थिति भी उनकी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि मन से इंसान खुश ना हो तो शरीर भी कितना साथ देगा। अब अगर वो छोटी बहू को किसी बात के लिए टोकती थी तो वो बोलती, माँ जी आप मेरे घर में रह रही हैं, वहाँ तक तो ठीक है, परंतु मेरे निजी मामलों में आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। जब वो बेटे से बहू की शिकायत की तो बेटा बोला, माँ जब से तुम आई हो तभी से ये सब परेशानियां क्यों शुरू हुई हैं? आज तक तो घर में कभी किसी ने राखी की शिकायत नहीं की। माँ बोली, घर में रहता कौन है, बस तेरे नौकर चाकर रहते हैं, क्या वो तुमसे उसकी शिकायत करेंगे? बेटा बोला, तो जैसे वो सब रहते हैं आप भी उसी तरह रहो, क्यों बात को बढ़ाती हो, खुद भी सैन से रहो और हमें भी सैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में सुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। अब आए दिन वो बेटी को फोन पर सारी बातें बताती थी। बेटी ने बड़ी भाभी को ये सारी बातें बताई। नेहा बोली, अब मैं दूसरे के घर के मामलों में क्या कह सकती हूँ, जब माँ जी ने ही ये सुनाव किया है। ननद बोली, भाभी एक बात बताऊँ, जब इंसान का शरीर ढलने लगता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, तब उन रिश्तों की नजदीकियां काम आती हैं, जो मन से और शरीर से आपकी सेवा करे। आप मेरी
स्थिति जानती हैं। अब माँ के लिए आपको और भैया को ही कोई निर्णय लेना होगा। नेहा ने मनोहर को सारी बातें बताई। मनोहर माँ से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर छोटे भाई के घर गया। माँ बेटे बहू को देख छोटे बच्चों की तरह फपक कर रोने लगी। राकेश बोला, इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर माँ भैया के सामने इस तरह से रो रही हो तब तो तुम उनके साथ ही रह लो तो अच्छा है। दोनों भाई बात कर रहे थे तब नेहा के ननद का फोन आया। वो माँ से बोली, आपने हमेशा पैसे वाली बहू को महत्व दिया जिसने हमेशा आपकी मन से और शरीर से आपकी सेवा की। आप उस से दूर होती चली गई समय रहते। अगर आप अपने रिश्तों की दूरियों को खत्म कर दे तो आने वाले समय के लिए बेहतर होगा। नेहा की सास को भी अब एहसास हो गया था कि कौन सी बहू नज़दीक और कौन सी बहू दूर है। जब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी कितना अच्छा, तो आप यहाँ रहती थी, वहाँ आपको दिक्कत होगी और हमने कौन सी कमी रखी थी जो आप जा रही हैं। वो बोली, राखी बहू मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे लिए बहुत से साधन जुटाए। हाँ, तुम अपना वक्त तो नहीं दे पाती थी परंतु पैसा खर्च जरूर करती थी। अब जाकर मुझे समझ में आया कि जीवन में पैसों से ज्यादा मन के रिश्ते की अहमियत होती है। नेहा बहू के पास पैसे कम हैं परंतु कम होने के बाद भी उसके छोटे से घर में मेरे लिए खुशियां और वक्त जरूर होगा। वो छोटे बेटे से बोली, राकेश इस उम्र में मैं तुम्हारे भैया के साथ रहना चाहती हूँ। जाते जाते तुम्हें बस एक सुझाव दूंगी, रिश्तों में पैसों से दूरियों को मत बढ़ाओ। हो सके तो अपने प्यार और व्यवहार से उन रिश्तों में नज़दीकियों को लाओ। तब समझ में आएगा कि कौन तुमसे नज़दीक हैं और कौन तुमसे दूर हैं। तुम मुझसे मिलने आते रहना और मैं भी आती रहूँगी। सदा खुश रहो, इतना आशीर्वाद देकर वो बड़े बेटे के साथ चली गई। देर से ही सही परंतु कमला जी को ये समझ में आ गया कि कौन सी बहू नज़दीक या दूर है। स्थिति कोई भी हो परंतु रिश्तों में पैसों की अहमियत उतनी ही रखे जितनी जरूरत हो। वक्त आने पर रिश्तों की नज़दीकियां ही काम आती हैं ना कि पैसे, क्योंकि पैसे आपके आंसू नहीं पोसते। उसके लिए किसी अपने का होना जरूरी होता है।